हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं आपको बताने वाला हूं आज अलग अलग तरह की जो फिट्स आती है, झटके आते हैं, एपिलेप्सी, उसके बारे में। मैंने कई वीडियो में इसके पहले जिक्र किया हुआ है, आज थोड़ा उसको अलग रूप से आपको बताता हूं। क्या होता है कि दो तरह की एपिलेप्सी की बीमारी आती है, मतलब ब्रेन जिसका ओरिजिन ब्रेन में है, भेजे में है, उसकी बात मैं कर रहा हूं, एपिलेप्सी झटके मिर्गी। एक तो एक उस तभी कारण है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एपिलेप्सी, कुछ भी कारण है उसके वजह से फिट आ रही है। दूसरा होता है कि प्राइमरी एपिलेप्सी, जब कोई कारण नहीं है और बिना कारण की भेजे में कुछ तो भी ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तैयार हो जाती है और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिसिटी जैसे इम्पल्सेस तैयार होती है और उसकी वजह से फिट आती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी एपिलेप्सी। तो पहले बोलता हूँ सेकेंडरी एपिलेप्सी। सेकेंडरी एपिलेप्सी मतलब यह होता है कि कुछ तो भी बीमारी है और वो बीमारी प्राइमरी है और सेकेंडरी झटके आ गए। पहले कुछ तो भी है उसकी वजह से झटके आ गए। जैसा बुखार आ गया तो झटके आ सकते, बुखार में बच्चों में काफी असर मतलब काफी ये दिखता है बच्चों में कि बुखार आ गया और उसको झटके आ गए। टीबी होने से, दिमाग की टीबी हो उसकी वजह से झटके आते, दिमाग में बुखार चढ़ गया उसकी वजह से झटके आते हैं। फिर दिमाग को मतलब भेजे को मार लग गया, हेड इंजरी हो गई, वो एक कारण हो सकता है। फिर दिमाग में खून का दौरा कम पहुंच रहा है तो झटके आएंगे, या कोई ट्यूमर हो गया, भेजे में कोई ट्यूमर हो गया उसकी वजह से हो सकता है, या ऐसी कोई बीमारी भेजे की है कि जिसकी वजह से सेकेंडरी झटका आना चालू हो जाएंगे, एपिलेप्सी आएंगी। तो उसके लिए फिर वो जो बीमारी पहले वाली जो है उसका इलाज करना पड़ेगा, उसके साथ साथ एपिलेप्सी का इलाज करना पड़ेगा, मतलब फिट का इलाज करना पड़ेगा। मतलब काफी सारी इसके अलावा बीमारी ऐसी है कि जिसके जो फिट है कि जिसके लिए कोई कारण हमको दिखाई देता नहीं है भेजे में। मतलब है तो बीमारी भेजेगी, है तो फिट, है तो मिर्गी, है तो झटके ही ब्रेन की वजह से, मगर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है बिजली जैसी चमकती है, वैसा एकदम बिजली चमकती, इतना चमकना चालू हो जाता है दिमाग में, इतने इम्पल्सेस तैयार हो जाते हैं और बाहर हमको फिट दिखाई देती है। और वो चलती है एक मिनट, डेढ़ मिनट, बहुत ज़्यादा हो गया दो तीन मिनट चलती है, और उसमें व्यक्ति जो है वो सडनली गिर जाएगा, खड़े खड़े गिर जाएगा, धड़ाल से गिर जाएगा, एकदम बेहोश हो जाएगा। बेहोश होने के बाद में हाथ पैर में झटके आना उसको शुरू हो जाएंगे, तो शुरू में वो आवाज करेंगे, ऐसा आवाज करेगा, ऐसा जोर से मुंह से आवाज हो जाएंगी, आंखें ऊपर गई हुई है, और एकदम गिर जाएगा। और गिरने के बाद में फिर उसको झटके आएंगे, हाथ और पैर ऐसे पूरे झड़ेंगा, घसेंगा जमीन के ऊपर, जबान जो है वो दांत के नीचे आ जाएंगी, दांत के बीच में आ जाएंगी, मुंह में झाग आ जाएगा, और उसको कहीं भी लग सकता है कि गिर गया। तो लोग काफी सारे जमा हो जाते हैं, फिर कोई उसका नाक दबाता, कोई कुछ करता है, कोई उसको चप्पल सूंघाता है, उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक डेढ़ मिनट के बाद में वो झटके जो आना है आते रहते हैं, वो झटके आना बंद हो जाते, वो शांत हो जाता और बेहोश रहता है। जो लोग आजू बाजू रहते हैं उनका एक ही काम है कि उसका जो उसकी जो गर्दन है वो एक तरफ पे करना, एक तरफ करने का है, झाग जो आता है मुंह से वो पोंछने का है, मुंह में कुछ डालने का नहीं है, कुछ सुंघाने को देने का नहीं है, उसको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी या कुछ मार लगेगा नहीं, ऐसे जगह उसको शिफ्ट करने का है। वो धीरे धीरे डेढ़ दो मिनट में वो आप या होश में आ जाता है, पांच मिनट में या दस मिनट में होश में आ जाएगा। ये जो बीमारी है इसका कारण ढूंढने के लिए जब हमारे पास में जब लाते हैं पेशेंट्स को, फिर हम क्या करते हैं कि उसका इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम निकालते हैं, ईईजी, कि जिससे भेजे में क्या बीमारी है वो दिखती है, उसका डायग्नोसिस हो सकता है, या फिर सीटी स्कैन निकालते हैं। सीटी स्कैन में कुछ डाउट आ गया, कुछ शक आ गया कि कुछ तो भी है अंदर, तो फिर एमआरआई निकालते हैं ब्रेन का, और फिर कुछ कारण यदि मिलता है तो वो कारण का इलाज करते हैं, और कुछ कारण नहीं मिला तो काफ़ी सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि नॉर्मल है, सीटी स्कैन नॉर्मल है, एमआरआई नॉर्मल है, ईजी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, मगर फिट तो आ रही है। ये फिट का विशेष ऐसा रहता है कि वो 15 दिन में, महीने में एक बार किसको आती है, किसको रोज एक आधी बार आ सकती है, किसको हफ्ते में एक बार आती है।
जिनको 15 दिन में या महीने भर में एक बार आती है, तो लोग उसका रिलेशनशिप अमावस्या पूर्णिमा को लगाते कि नहीं अमावस्या आ गई तो फिट आ रही है, या पूर्णिमा आ गई तो फिट आ रही, मतलब फुल मून डे और नो मून डे, तो ऐसा कुछ उसका रिश्ता नहीं है। अंधश्रद्धा बिल्कुल करने का नहीं है। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी निकली है, और यह फिट के झटके जो है 101% अच्छे हो सकते हैं। 3 से 5 साल दवा लेना बहुत जरूरी है। ये फिट आने के बाद में वो व्यक्ति बेहोश हो जाती है, तो आग के पास में इनको कुछ दिन तक काम नहीं करने देना चाहिए, या तैरने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, या गाड़ी के ऊपर अलाउ नहीं करना चाहिए, या कोई ड्राइविंग वगैरह करते हैं ये तो ड्राइविंग, मतलब कोई ड्राइवर है उसको ये झटके आते तो उसको ड्राइविंग करने के लिए मना करना चाहिए। कोई ट्रक ड्राइवर होते, कोई टैक्सी ड्राइवर होते, कोई इंजन ड्राइवर, रेलवे इंजन ड्राइवर होते हैं, जिनको ये झटके आते तो उनको मना करना चाहिए, मेडिकली अनफिट है वो लोग, क्योंकि एक ही झटका उसको आ गया तो उसके पीछे जो बैठे लोग हैं, जो टैक्सी वो ड्राइव कर रहा है या ट्रेन चला रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों को खतरा हो सकता है, तो मेडिकली दे आर अनफिट। जब तक वो कंट्रोल नहीं होता पूरा फिट का झटका, तब तक उनको ये सब अलाउ नहीं करना चाहिए। 3 से 5 साल यदि हम दवाई लेते हैं तो उनको कम्प्लीटली पूरा अच्छा नॉर्मल लाइफ वो जी सकते हैं। कुछ इसमें बीमारी में कुछ ऐसी दवाई है जो दवाई देने के बाद में आंख को खुजली आती, तो ऐसा कुछ खुजली वगैरह आ गई तो समझना कि ये दवाई की रिएक्शन है, तो दवाई बदल के देना पड़ता है। हमारे पास में बच्चे लाते हैं लोग, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको जन्म के समय, जब जन्म लेते हैं बच्चे ना, उस समय उनको, मतलब जन्म के बाद में बच्चा रोता है तो रोता नहीं है, इसका मतलब उसको ऑक्सीजन जितना जाना चाहिए था वो ऑक्सीजन प्राणवायु दिमाग तक गया नहीं, उसको हाइपोक्सिया हो गया, तो वो मंद बुद्धि का बच्चा होता है। और ऐसे बच्चे में भी फिट आती, तो उनको भी दवा की जरूरत है, और वो दवाई उनको देते हैं बच्चों को, तो वो भी अच्छा हो सकता है। कुछ कुछ लोगों को जैसा मंगोलिज्म की बीमारी, डाउन सिंड्रोम, जिसकी आंखें ऐसी टेढ़ी रहती, थोड़ा मुंह ऐसा छोटा रहता है, उसको ऐसी अकल ठीक रहती है, समझ थोड़ी कम, IQ नॉर्मल या जस्ट बिलो नॉर्मल, मगर उसका उसका ग्रोथ बराबर नहीं रहता, आंखें थोड़ी टेढ़ी रहती है, डाउन सिंड्रोम है। काफी बच्चों में बुद्धि भी कम रहती है, तो उनको भी फिट आ सकती है। फिर लोग पूछते हैं कि भाई ये जो बीमारी, इसकी शादी है, ये व्यक्ति की शादी हो सकती क्या? तो शादी हो सकती है, शादी में कोई अड़चन नहीं है, मगर जैसी लड़की है तो क्या करते हैं लड़की वाले, ये छुपाते हैं बात, फिर शादी के बाद में मालूम पड़ जाता है कि लड़की को फिट आ रही है, और फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। या लड़के को यदि फिट आ रही है तो लड़के वाले बताते नहीं लड़की वालों को, और फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारा विश्वासघात हो गया, हमको बताया नहीं, तो बताना जरूरी है शादी के पहले। अड़चन ये है कि बताया तो कोई शादी करेगा नहीं, इसलिए बताया तभी तकलीफ है, नहीं बताया तभी तकलीफ है, मगर बताया तो अच्छा है ट्रांसपेरेंसी, ताकि फिर बाद में हमको फंसा दिया ऐसा किसको लगता नहीं। ये लोग बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चों को भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं, अनुवंशिक नहीं है कि माँ बाप को यदि फिट आती है तो बच्चों को फिट आएंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मगर 3 से 5 साल दवाई लेते हैं तो ये पूरा 101% अच्छे हो जाएंगे। आपके संपर्क में ऐसे काफ़ी लोग होंगे कि जिनको दवाई लेने के बावजूद भी यदि फिट आती है तो जरूर उनको ये वीडियो बताइएगा, शेयर करो। वो दवाई यदि बराबर अप्रोप्रिएट डोज में लेते हैं, बराबर मात्रा में लेते हैं, तो 101% फिट अच्छी हो सकती है। उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।